to India's Laughter Champion. And I'm your host, Rochelle Rao. अगले हफ्ते हमें मिलेगा India's Laughter Champion का विनर. ये 10 हफ्ते हमने आपको खूब हंसाया और 27 अगस्त पर हम आपको देंगे लाफ्टर की फीस. लेकिन हमने सोचा क्यों ना उससे पहले आपके लाफ्टर की भूख और बढ़ाई जाए. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ द टॉप 5 फाइनलिस्ट. तो फिर एक बार बुलाते हैं इंडिया के लाफ्टर चैंपियन के टॉप 5 फाइनलिस्ट, नितेश शेट्टी, जय विजय सचान, विघ्नेश पांडे, हिमांशु भवानक एंड राजा कूल. कैसा लग रहा है तुम लोगों को दोस्त, यहाँ अब यहाँ तक इस जर्नी में यहाँ तक आए हो? सर मेरा सफर बहुत ज्यादा खूबसूरत रहा, क्योंकि पहले एपिसोड से एक तो इतनी बेहतरीन कला मतलब देखने को मिली कि हाँ. मतलब क्रिएट करने को मिली वो अलग, लेकिन देखने को मिली मतलब विघ्नेश भाई में बिल्कुल ही अलग कला है. शेट्टी भाई की ऑब्जर्वेशन मतलब अपने आप में बाकमाल, और मतलब भवंडर भाई की तो ज्ञान का समंदर है, मतलब इतना साहित्य उन्होंने पढ़ा हुआ है बिल्कुल, और वो तो मैजिक बॉक्स हमारे साथ नहीं. तो मतलब मैजिक बॉक्स. तुम लोगों का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो बहुत ऑब्वियस है, जैसे तुम लोग आए थे और जैसे लग रहे हो. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टारडम एंड ग्लैमर एंड परफॉर्मेंसेस. तो ये जो स्टाइलिस्ट ने आप लोगों को स्टाइल किया, उसके बाद जिस तरह से अब तुम लोग दिख रहे हो, उससे कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है? बहुत सर फर्क पड़ता है. आपकी जो अब जिस तरह से आप दिखते हैं तो उसे एक ही हो जाता है कि यार कोई जेंटलमैन है. हाँ. और लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जेंटलमैन जैसा कुछ अभी ये प्रेजेंट करने वाला है, तो लोगों को लगता है कि यार अभी ऐसे कमाल के भी परफॉर्मेंस देंगे. जिस तरह से लोग हमें देखते हैं, लोग जिस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, लोग बोलते हैं यार कि तुम लोग बड़े कमाल के दिखते हो यार टीवी पे, यार बहुत अच्छे दिखाई. फिर जेंटलमैन के कपड़े पहन के राजपाल कैसे करते हो? मैं वो भी जेंटलमैन ही है, क्योंकि हम तो उनको पोर्ट्रे कर रहा होता हूँ किस तरह से, लेकिन लोगों को मजा आता है कि यार इस तरह से ये करते हो, क्या कमाल का लगता है. सूट बूट में भी यार तुम ऐसा एक्ट कर लेते हो, उनको तो ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती है, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं. कभी रिहर्सल्स के दौरान जब रात में सोने जाते थे तुम लोग या सोते हो, कभी ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं कुछ दिख रहा है कि वो हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं कंपेटिटर्स आगे भागे चले जा रहे हैं और तुमको कुछ याद नहीं है, तुम स्टेज पे चले गए, सब कुछ दिमाग से निकल तो और उठते एंड देन यू रियलाइज इट वाज अ नाइटमेयर. ऐसा है ना, एक बार मुझे याद है एक एक्ट के पहले रात को जब रिहर्सल करके सोया था, तब ऐसा सपना आया था कि मैं सोया हूँ ऐसे और मेरे छाती पे आके बैठी है ना और मेरे तरफ देख रही है और बोल रही है अब कॉमेडी करके दिखा साले. ये सबसे जुदा टैलेंट, बिकॉज यू नो ही इज टेकिंग आउट सो मेनी वॉइसेस और बगैर अपने लबों को हिलाए वो जब बोलता, इसके क्या सालों रियाज किया तुमने? हमें सिखाओ ना एक लाइन कैसे. नहीं ऐसा बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात करने के लिए तो ऐसा किसी भी आवाज में बात कर सकता है, अगर होठ हिले तो ठीक है, नहीं तो नहीं हिले तो इंटरलॉक. ऐसा कभी हुआ है स्टेज पे परफॉर्म करते करते राइट इन द मिडल ऑफ योर एक्ट यू suddenly have a feeling I'm going to forget all my lines? How do you deal with that kind of pressure? आप भूल गए कि अभी क्या है? तो एक बार जोरदार वापस तालियां हो जाए सब लोग के लिए. यानी कि भूला. Let's hear it for our top 5 finalists once again, ladies and gentlemen. And now शुरू करते हैं the man with many voices, Jay Vijay Sachan. शेखर जी आपने देखा होगा आजकल ये बड़ी समस्या होती है लोन लेने में. अभी तो हमारे जो नवाज भाई हैं अभी कितनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं, इतनी मेहनत की उन्होंने और आज अपना उनका खुद का बंगला है, इतने नामचीन है. बहुत साल पहले अभी जब वो इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने देखा कि यार क्या यार कि अभी क्या, आप तो जानते हैं जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी रोड आदमी की. उनको लगा कि एक दिन नवाज भाई को यार मेरे पास भी ना एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो अभी गाड़ी है महंगी गाड़ी लेनी है तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा. तो एक दिन नवाज भाई बैंक पहुंच गए कार लोन लेने के लिए. अच्छा. और वहां पर जो मैनेजर हैं वो नसीर साहब हैं. सलाम साहब, मेरे को एकदम एकदम मस्त गाड़ी लेने का है तो मेरे को ना उसके लिए लोन मांगता है. भाई
जिसे भी लोन लेना है पहले उसे लेके आओ, अपने साथ को लेके आओ। अरे साहब मैं साहब है। अरे अगर ऐसा है, देखिए इसके लिए हमें गारंटर भी चाहिए होता है और हमें पेपर भी लगेंगे। अरे पेपर का क्या बोलते हो, बोलो ना साहब, कल सुबह हिंदी मराठी गुजराती सब आपके पेपर डाल के जाता है ना। अरे कमबख्त, वो वाला पेपर नहीं, हटाओ, हमें गारंटर चाहिए। अरे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग को जानता है मैं, अभी आपका गारंटी दिलाते ना तो भी क्या कॉल करते हैं संजू बाबा को। अच्छा। और जो बेल जा रही है संजू बाबा की स्टाइल में जा रही है, संजू बाबा के मोबाइल पे। हेलो। अरे कौन बोल रहे रे? अरे बाबा मैं नवाज बोलता है। अच्छा नवाज, कैसा है तू? अबे तेरी तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट चली गई रे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो। अरे मैं वो बाप का, दादा का, भाई का, बुआ का, फूफा का, चाचा का, चचिया ससुर का, वो वाला नवाज बोलता है। अच्छा नवाज, अभी मैं तेरे को ढंग से पहचाना नहीं। अरे बाबा आपके पिक्चर में भी मैं मार खाला, दो तीन पिक्चर में मार खाला। अरे नवाजुद्दीन, अरे बोल ना रे। वो बाबा क्या है ना कि मैं भी ना बैंक महिला, तो वो बोला कि मेरे को ना कोई गारंटी चाहिए, तो मेरे को आपका गारंटी मांगता है। अबे इधर पे कोई मेरा गारंटी नहीं ले रहा, मैं तेरा गारंटी किधर से लूं रे? नवाज को टेंशन हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, तो उनको लगा कि अभी दूसरे को कॉल करते हैं, तो उन्होंने शाहरुख को कॉल किया। जैसे उन्होंने कॉल उठाई बोले भाई अगर आपका हो गया हो तो भी मैं बोले कुछ। मेरे को ना आपसे कुछ हेल्प मांगता है, मेरे को लोन मांगता है, तो उसके लिए ना आपका गारंटी चाहिए। नवाज आज तो मुझसे लोन मांगने के लिए मेरी गारंटी मांग रहे हो, कल को तुम मेरे लिए मुझसे कुछ और मांगोगे, कभी तुम मेरी नैना मांगोगे, कभी मुझसे तुम मेरी प्रिया मांगोगे। अरे मैं तुम्हें गारंटी कहां से दूं? अरे मेरी नैना, उसे कितनी बार कहा था कि तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तो तुम्हें पता है कि नैना मेरी तिजोरी की चाबी लेके भाग गई और मेरा पैसा लेके चला गया। अरे अभी मुझे खुद गारंटी चाहिए, मैं तुम्हें गारंटी कहां से दूं? हां अरे फालतू में मेरे को डांट देला यार ये। अभी कहना मेरे को ना कोई सही आदमी मांगता है, कोई सीनियर आदमी को कॉल करेगा वही मेरे को कॉल देगा। अभी तूने कॉल किया डैनी साहब को? हेलो डैनी साहब, मेरे को आपसे एक बहुत जरूरी बात करने का। जबान को लगाम दे वरना कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। बिना सोचे समझे तूने मुझे कॉल कर दिया, तुझे क्या लगा यहाँ पे तू कॉल करेगा? तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है बात बात में मुंह उठा के? यहाँ पर तू मुझसे लोन के लिए बात कर रहा है, मैं तुझे गारंटी दूं वहां पर चल के आऊं, मैनेजर से बात करूं, जबान को लगाम दे वरना तेरी जबान काट दूंगा, सड़क पे सिंक के मारूंगा। काले पेले अभी लोन देने का है तो ले दो, गारंटी नहीं देने का नहीं दो, लेकिन खाली पीली मेरे को ऐसा डांटता है तो मेरे को बहुत टेंशन होती है। तिन्होंने पंकज जी को कॉल किया। त्रिपाठी जी माँ कसम बहुत हिम्मत लगा के आपको कॉल किया। अभी मेरे को गारंटर के लिए इतना तपली को रहा है ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प मी, मेरे को आपका गारंटी चाहिए। ठीक है। ये बेकम्मा, गारंटी देना कोई बड़ी बात नहीं है मकबूल भाई, उसके पास जाके इसको पैसे ऐसे दे दो, लेकिन नवाज तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये काम। बाबूजी के घुटने में अचानक से दर्द शुरू हो गया है
बाबूजी कह रहे हैं कि अगर आ जाओगे उनके घुटने में थोड़ा सा मालिश कर दो, वो कह रहे हैं वो अपनी पर्सनल गारंटी तुम्हें खुद देंगे। अरे अपनी ऐसी तैसी में क्या गारंटी, अपना इज्जत में रखो, बहुत प्यारे लाए, थैंक यू। जय, इतने सारे लोगों के तुमने साथ काम किया है, तो किसकी आदतें या किसकी हाव भाव तुमको सबसे ज्यादा पसंद आया और किसका रंग तुम पे सबसे ज्यादा चढ़ा है? जी वो राधेश्याम जी हैं जो ये। उनकी बड़ी एक कमाल का उनका बोलने का जो स्टाइल है, जो मैंने उनको जो है ऑब्जर्व किया। एक बार मेरे को मिल गए वो, जैसे बाहर टहल रहे थे, तो मैंने कहा राधेश्याम जी आप यहाँ पर ऐसे टहल रहे हैं, अरे शाम हमको पहली आपको बम्बई है, सर्दी वर्दी लग जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बोले अरे भाई हमारा क्या होना है यार, 72 की उम्र है, हमको क्या होना है, तुम लोग नए लड़के हो, जो होना है हो लो, ठीक है। बहुत अच्छे यार। तो मैंने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा था कि रोशेल पूछ रही थी आज आपको। ओहो अरे भाई अब रोशेल पूछे, अच्छा नंबर अंबर हो तो दो फिर। तो मैंने कहा कि आप रोशेल का नंबर लेके क्या करें? अरे भाई उसको कविता सुनाएंगे, लड़ेगा खंभे से खंभा। नए जय विजय, मैं समझ रहा हूँ कि समझ रहे थे कि चला गया मैं, मेरा नाम राधेश्याम है। अरे अरे मैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ, मेरा भक्त पुकारता है सच्चे मन से तो आना पड़ता है। अंदाज वही है। उन्होंने उस दिन कहा भी था कि लोगों ने अपने बच्चों को दुकोण सिखाया, त्रिकोण सिखाया, षटकोण सिखाया शेखर जी, लेकिन दृष्टिकोण नहीं सिखाया। दृष्टिकोण नहीं सिखाया। अब आप सेंटर स्टेज ले ले। हाँ वो तो चला गया, आपने निकाल दिया, आते ही चला गया, देखिए डर। राधेश्याम जी आपका अनुभव इस शो में, इस शो के दौरान कैसा रहा? अनुभव तो क्या बताऊं साहब, ऐसा सुखद बीता है ये 3 महीना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, इससे बढ़िया तो मेरा ख्याल है कि मेरी जिंदगी में और कोई पल आया ही नहीं। वाह बहुत अच्छी बात। और दुख इस बात का हो रहा है सर जी कि 3 महीना तो ठीक ठाक गुजरा, अब फिर से उसी गृहस्थी के जंजाल में पहुंचना है। देखिए मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं। मैं BSNL में नौकरी करता था, नौकरी से रिटायर क्या हुआ, घर में मेरी सरकार ही गिर गई। अरे वाह, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली पत्नी रूलिंग पार्टी के साथ मिल गई। बहुत अच्छा। मैं अस्तबल के बाहर, मेरे दोनों लड़के दोनों करामाती, बहुएं गजब की गुणवंती, और उन बहुओं की सासू मेरी रक्त पिपासु। अब तो और ज्यादा पतिव्रता का धर्म निभाती है, पहले खुद पीटती थी अब बहुओं से भी पिटवा। दर्द है दिल का। मेरा बड़ा वाला लड़का कक्षा 4 में था जब अपने मास्टर साहब की पेन उड़ा लाया। मैंने उसको थोड़ा सा समझाया, फिर उठाकर चुमकार कर छाती से लगा लिया। उसी से प्रभावित होकर दूसरे दिन उसने अपने किताब कॉपी से भरा बस्ता तिवारी जी के कुएं में डाल दिया। आजकल बड़ा आज्ञाकारी है अपनी बीवी का। फिर मैंने सोचा कि छोटे वाले लड़के को खूब पढ़ा लिखा करके घोड़ा बनाऊंगा। घोड़ा
घोड़ा कहाँ बना, बारहवीं तक पहुंचते पहुंचते बारह सिंघा बन गए। क्या बात है। राधेश्याम जी, आप इन नौजवानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह देने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन रजत सूद बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। उड़ते हो खूब तरकस से निकले तीर की तरह, चलते हो अकड़ कर बड़े अमीर की तरह। सुनना, शादी होगी पापा बनोगे 3 साल में, तो लगेगी फीकी दाल भी पनीर की तरह। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। शेखर जी क्या हो, ये जालिम जंग खाई देह से भंगड़ा कराती। बहुत बढ़िया। मगर एक राय दूंगा, अगर राय आपने कहा है राय देने के लिए, तो एक राय दूंगा विशेषकर रजत सूद को कि सलीके से पलटना प्यार के पन्ने जवानी में, पढ़ो ऐसा कि बढ़ती जाए रोचकता कहानी में। भला वह प्रेम के एक पाठ का भी अर्थ क्या समझे, किताबें बदलता रहता है जो अक्सर जवानी। तो एक बार फिर से अपने प्रतिभागी साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जाइए, खूब बढ़िया करिए, अभी तक जितना हुआ है उससे ज्यादा बढ़िया करिए, और दिलों में जगह बनाइए, इसलिए कि सच्चाई से नजर मिलाना सबके बस की बात नहीं, और के गम में खुद को जलाना सबके बस की बात नहीं। दौलत वाले कई करोड़ का महल बना तो लेते हैं, किसी के दिल में जगह बनाना सबके बस की बात नहीं। आ जाइए हमारे उज्जैन एक्सप्रेस हिमांशु भवंतर। भवंतर जी, आप सपत्नी कहाँ हैं यहाँ? जी सर। तो कहाँ है आपकी पत्नी यहाँ इस वक्त? सर ये यहीं बैठी है सर, प्रथम पंक्ति में। मैं सवालात करना चाहता हूँ। नमस्कार। तो पहला सवाल तो ये है कि आप दोनों का अरेंज्ड मैरिज था या लव मैरिज? हमारा लव मैरिज था। ये लव दोनों तरफ से था या एक तरफा था? दोनों साइड से था। एंड सबसे अच्छी बात ये, विदिन 2 मंथ्स हम लोगों ने शादी किया था, पहली बार बात करने के बाद। अभी कितने साल हो गए शादी को? 5। वाह, आपको डर नहीं लगा भवंडर से शादी कर रही हूँ मैं? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। क्यों? भवंडर सरनेम कभी सुना नहीं था। सो सबसे पहले मैंने इनका सरनेम पूछा, आपका सरनेम क्या है? देन ही सेड टू मी शर्मा। इनके ठीक है, चल जाएगा। ऐसा क्यों बोला तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तुमने शर्मा बोला? हाँ, तो मेरा ओरिजिनल सरनेम तो शर्मा ही है, ये तो स्क्रीन नेम है। अच्छा अच्छा, तखल्लुस है तुम्हारा? तखल्लुस है, तखल्लुस है। जीवन का सबसे खूबसूरत सपना क्या है? सर क्या बताएं आपसे, जीवन के 2 खूबसूरत सपने थे। हाँ, या थी? नहीं सर, थे। अच्छा, ओके। के एक तो गोवा जाऊं, ओके, और गर्लफ्रेंड के साथ गोवा जाऊं। अच्छा। और दूसरा ये कि गर्लफ्रेंड हो। बात तो हो। अर्चना मैम, गर्लफ्रेंड होने से पहले शादी हो गई। ये गर्लफ्रेंड ही थी तुम्हारी? लेकिन अभी भी 2 सपने हैं। अच्छा। एक तो गोवा जाऊं। अच्छा। और गर्लफ्रेंड के साथ गोवा जाऊं। आज जो सुनाना चाह रहा हूँ सुनिए। इस रात ख्यालात की होगी बरसात, उसी बरसात में नहाता चला जाऊंगा, हृदय की लय पर होकर अभय में जय को विजय पर लाता चला जाऊंगा। कविता से तालियां, मालियों से डालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। क्या बात। कालियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। पर शेखर सर, समस्या बहुत जगह है। अभी अपने राधेश्याम जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने बताया कि शराब पीने की क्या बुराइयां होती है। कल शाम को खुद बैठ के पी रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया? अरे तुम्हारा
काम से काम रखो यार, हम यहाँ टेंशन में आ गए हैं, का हो गया? मैंने कहा नहीं, वारंट इशू हो गया हमारे। मैंने क्यों? विदाउट टिकट यात्रा कर लिए थे। मैंने कहा आपको समझ ना, हमारी क्या गलती जो हम समझे। अब हमने मुगल सराय स्टेशन से टिकट लिया इलाहाबाद का, उधर मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, इधर इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, हम साला विदाउट टिकट हो गया। अर्चना जी, प्रोफेशंस बहुत सारे हैं, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं शेखर जी जो लुप्त हो गए, जो शायद रजत की पीढ़ी के लोगों को तो मालूम भी नहीं है। रजत की पीढ़ी की पूरी सीढ़ी गायब है। अर्चना जी, आपको पता होगा एक प्रोफेशन भंगार वाले आते हैं, वीकेंड्स पे जनरली आ जाते हैं, हमारे वहाँ के बड़ी टिपिकल सी आवाज लगाते हैं, ले जुना पुराना आटा ला, सामान पानी की टप बाल्टी पेपर रद्दी ले आओ। एक दिन यही सामने बैठी थी आंगन में, वो निकला, इससे पूछा, बोले भाभी जी कोई पुराना टूटा फूटा भंगार का सामान है? इसने मेरी तरफ देख कर बोला, हाँ है तो सही लेकिन अभी पेपर पढ़ रहा है। अच्छा, मैं आपकी बीवी सामने बैठी आज, तो पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ ही लेते, आपने दहेज लिया था क्या शादी में? ऐसे क्यों कर रहे हो? मैडम मैंने नहीं लिया था। वेरी गुड, पर मुझे दिया गया था। मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे दहेज में दिया गया था कुत्ता, छोटा सा पपी। हाँ। ससुर जी से कहा मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं, ससुर जी ने कहा कि ये घर की रखवाली करेगा। अच्छा सर, घर की रखवाली तो वो करता है नहीं, उल्टा चोर आता है ना तो खिड़की पे जाके मैं भोंकता हूँ। और ये वहां पर लेटे लेटे बोल रही होती है, डार्लिंग धीरे भोंको, इसको डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा कहते हैं अर्चना जी, हर कुत्ते का दिन आता है, 5 साल हो गए मेरे चैन के लम्हे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सर ये उसको डार्लिंग जानू कहकर इसके आगे पीछे घूमती है, मैंने इसी फ्रस्ट्रेशन में मेरा नाम शेरू रख लिया। पिछले दिनों बर्थडे मेरा हुआ, हड्डी वाला केक मंगवाया गया और गाना बज रहा है तेरी मेहरबानियां। तब शेखर जी मुझे समझ में आया कि मेरा जन्म हुआ है, इस कुत्ते ने तो उतार लिया है। अच्छा बताओ, इन चारों को कोई विशेष टिप्पणी वगैरह देना चाहते हो तुम? सर चारों को तो नहीं देना चाहता हूँ मैं, लेकिन हाँ ऐना से एक शिकायत है। अच्छा, पिछले दिनों दोस्ती यारी में मैंने विघ्नेश को गधा बोल दिया था तो ऐना भड़क गई। विघ्नेश को मेरे अलावा कोई भी गधा नहीं बोल सकता। मैंने सर क्षमा याचना कर ली, आज यही चीज मैंने विघ्नेश को है ना संस्कृत में बोली, भो वैशाख नंदन कथम अस्ति भवान। तब से ऐना के नजरों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी मैं ही हूँ। बहुत अच्छे भवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स हियर इट फॉर भवन। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रजत सूद द कॉमेडी किंग। रजत, तुम प्यार की ही बातें क्यों करते हो? इश्क मैंने जब ये सफर शुरू किया था ना, तो मुझे मतलब मैं ऐसे ना पॉडकास्ट सुनता था बहुत सारे, और बड़े बड़े कलाकारों के इंटरव्यूज, और जितना भी मैं जिस भी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकता था मैंने वो कोशिश की। तो हर कोई मैंने देखा कि इन जनरल लोग ये बात बहुत ज्यादा कहते थे कि जो आपने जिया है वो लिखो, कि मतलब तो फिर मैंने की ही आशिकी बस। मतलब उम्र क्या है तुम्हारी यार? 24 साल में। शुरू कब किया था? मतलब पैदा होते ही यहाँ आ गए? नहीं, बट मैं मेरी दिली ख्वाहिश है कि अपना काम वहां तक पहुंचे कि जिसके लिए लिखा गया है उसको कम से कम पता लगे कि क्या ख्याल थे। बोल क्या तो दे रहा है यार। चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल, तो ये सब मुकेश जी के पुराने गाने जो हैं जी, वो सब याद आते हैं कि नहीं? हाँ जी सर, मुझे एक पल को तो ऐसा लगा कि आप अपने पास्ट में चले गए हो। पर तुम्हारी कॉमेडी में ऑब्जर्वेशन से ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी मैम, दैट इज वेरी एविडेंट, जो तुमने महसूस किया उस पर तुम कॉमेडी बनाते हो। एंड आई वांट टू आस्क यू, अगर
हाँ जी I mean, I'm hoping everybody wins. But अगर तुमने अगले हफ्ते फिनाले में नहीं जीते वो 25 लाख तो क्या क्या महसूस करोगे मैम मैंने पहली चीज इस मंच पर ये बोली थी जो शायद मैं हर बार बोल चुका हूँ कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा तो हाँ ये बहुत खूबसूरत बात है आज नहीं कल बनूंगा, तो बनूंगा जरूर बिल्कुल सर यू नो रजत आई एग्री विद यू हाँ जी मैंने भी 8th स्टैंडर्ड में हिंदी में फेल किया फिर? अच्छा नहीं नहीं तुम्हारा पता लगता तो एनीवे रजत तुम सोशल मीडिया पर लव एक्सपर्ट बन गए हो वाह तो मेरी एक फ्रेंड ने तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन भेजा अच्छा शी सेड ये मेरे को डायरेक्टली क्यों नहीं भेज रहे हैं लोग तुम्हारे जरिए से क्यों बात कर रहे हैं उन्हें बोलो मैं नंबर देता हूँ पहला आंसर दे दो अगर आंसर अच्छी है तो फिर मैं नंबर देती हूँ ठीक है आंसर अच्छी है आंसर अच्छी देनी पड़ेगी आंसर अच्छी है सही फेल हुई थी तुम्हें ओके शी सेज आई वांट अ गाय हु इज हैंडसम स्मार्ट अच्छा इंटेलिजेंट एंड फनी वेयर कैन आई फाइंड सच अ गाय क्या बचा इसमें जवाब तुम्हारे सामने है रोशन हम लोग ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं प्यार में कि यार बकेट लिस्ट बना लेते पूरी कि ये भी होनी चाहिए बाल घुंघराले भी हों सीधे भी हों कैसे हों बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि प्यार ना आप ऐसे मानो कि प्यार ना कबूतर के प्रसाद की तरह होता अच्छा हाँ मतलब सुनने में गंदा लग रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप कभी भी घर से निकलो आपको नहीं पता कब सर पर आ जाएगा बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन है अच्छा मेरी फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी ओहो अच्छा तो ये न्यूज़ ये बात उसे कैसे बताएं अबे ये कोई बहुत गुड न्यूज है कि तुम गुड़ और मिठाई लेके जाओगी जैसे जितनी जल्दी हो सकता है बताओ भाई क्योंकि वो तो सपने देख चुका है बच्चों का नाम रख चुका होगा वो अभी तक उसे बताना पड़ेगा कि मम्मी अवेलेबल नहीं है बट हमारे ऑडियंस से भी एक दो सवाल है आपके लिए हेलो हेलो माय नेम इज रूबीना गजल रूबीना गजल यस बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा किसने रखा नाम आपका दादी ने दादी ने तो वो लिखती थी दादी नहीं लिखती थी बट दादा लिखते थे दादा लिखते थे ना yes. होता है मैम ये अक्सर दादा दादी भी लिखते थे इसलिए वो गजल वही नाम दिया क्योंकि मैम अगर आप देखो ना शायरों से लोग अक्सर ऐसा पूछते हैं कि आपकी कितनी गजल हुई इसके दादा कह रहे एक हो गई है हां सो मेरा आपसे एक सवाल है अच्छा आप इतने क्यूट हो क्या बात कर रही हो यस इतने अच्छे कॉमेडियन देख रहे हैं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है मुझे बताओ हाँ. आपके जैसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा सर ये लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं सर आप ऑलरेडी इतने सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ हो मैं आपको उनसे जुदा नहीं करना चाहता देखा मुझे ऐसा लगता है सर मेरे जैसे लड़के बनने की भी ना एक रेसिपी है क्या? जो मुझे अपनी जर्नी से समझ में आती है सबसे पहले धीमी आंच पर इंजीनियरिंग करो फिर उसमें एक तरफा प्यार का तड़का डालो अच्छा और फिर ब्रेकअप की सीटी लगने दो और कोई सवाल है हेलो सर हाँ कौन से पार्क में लेट के आए हो तुम ये ऐसा लग नहीं ना कि माली ने नया नया बगीचा खाया था कि ये लपेट के आ गया सारे फूल समेट लाया जी सर सर मेरा नाम इरशाद है अच्छा जी मैं दिल्ली से आया हूँ मेरा एक फ्रेंड है हाँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं नहीं रही अपनी लाइफ में कभी भी बट अभी उसकी शादी हो गई है अब वो दुखी है क्यों भाई बनता ही है मैं तो मैम मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जॉब करने से पहले इंटर्नशिप करना जरूरी है क्योंकि इंटर्नशिप पे ही आप सीखते हो कि जॉब पे क्या करने से अप्रेजल मिलेगा एक कहावत मुझे याद आई इस बात पर कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत शादी वादी भी कर लेना पहले कर लो डेट थैंक यू सो मच ये बाल आपके अपने जी मेरे हेलो माय नेम इज रजत राठौर कितनी चिड़िया रहती हैं ऊपर इसका नाम भी रजत है भाई क्या बात कर रहे हो जी अरे इंदौर मध्य प्रदेश से अच्छा अच्छा एड्रेस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ जाता हूँ फर्स्ट डेटिंग पे हाँ तो मुझे कुछ टिप्स बताइए आप
अच्छा, फर्स्ट डेट पे जाने के लिए आपको टिप्स चाहिए जी? एक तो मुझे पता है ये बड़ा दुख लगता है कि हम खुद नहीं जा पा रहे, दूसरों को राय दे रहे हैं। मैं फर्स्ट डेट पर जाने के लिए मैं एक एडवाइस भाई ये देना चाहता हूँ कि फर्स्ट डेट पर जाते हो इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें दूसरी डेट पर भी जाना है। ये फर्स्ट डेट ही आखिरी डेट ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू, थैंक यू जेंटलमैन। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर शरारती अना एंड बेचारा विघ्नेश पांडे। विघ्नेश, फाइनलिस्ट बनके तुम्हें कैसा लग रहा? फाइनलिस्ट बनके बहुत अच्छा लगा। मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब इतना कुछ नहीं। मेरे को तो था मैं फाइनलिस्ट तो पहुंच जाऊंगी, इन लोग का टेंशन था मेरे को। इन लोग का और मेरा? हाँ वो मतलब तेरा तो आना बनता ही नहीं था। अच्छा तुम 25 लाख का करोगे क्या? मेरे शेखों को कन्विंस करके इधर से उड़ के चले जाएंगे दोनों। आना मेरे को बताओ, तुमको क्या लगता है कि मेरा कंपटीशन यहाँ पे कौन है? रजत सूद? नहीं 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 नहीं। बवंडर हट? नहीं नहीं। जय विजय? नहीं। नितेश शेट्टी? चारों भी मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो टैलेंटेड है ना सर। Vignesh, you've been such a delight, and thank you so much for creating this beautiful, lovable, endearing character. Anna, yes. There is a sincere confession. At the cost of my marriage being on the rocks, that I'm slowly but surely falling in love with you, Anna. Let's hear it for Vignesh. Thank you. Thank you, Vignesh. One more time, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you. Please put your hands together for Nitesh Shetty. इतने सारे ऑब्जर्वेशंस तुम्हारे नितेश, तो कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो या सबकॉन्शियसली होता चला जाता है? नहीं, सबकॉन्शियसली है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई देखता हो, मतलब मैं ज्यादातर मोबाइल यूज नहीं करता जब मैं ट्रैवल करता हूँ कहाँ भी, तो मैं ऐसे देखता रहता हूँ यहाँ वहाँ। तो ऐसा नहीं कि देखना, वो ऐसे ही मेरा नेचर में है ऐसे देखना। और जब कुछ करना होता है ना, तभी याद आता, अच्छा ये ऐसा था, ये वहां से ऐसा था, तो कुछ याद नहीं रहता, लेकिन खाली वो पिक्चर सामने आ जाता है सबकॉन्शियस मेमोरी से लेके। हाँ, सबकॉन्शियसली कि हाँ ये ऐसा आदमी होता है, एक ऐसा आदमी होता है। और फिर मैं ना लोगों को पूछता हूँ, देखो पता है एक ऐसा आदमी होता है, क्योंकि ऐसा ना होता है सिर्फ मुझे लग रहा है कि ऐसा होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। वो सामने वाले ने भी ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि उसका भी ऑब्जर्वेशन वो लेवल पे चाहिए। मेरे को लगता है इंडिया में दो सबसे फ्रॉड चीज चालू है अभी, एक तो है डाइट चिवड़ा और दूसरा है टाइगर सफारी। आप टाइगर सफारी में घूमने जाओ ना, 3 घंटा जंगल घूमो, आपको 3 जानवर दिखता है। एक डियर, दूसरा डियर और तीसरा माय डियर सांबर डियर। थोड़े टाइम के बाद वो देखो डियर अपने तरफ देखता रहता है, पागल टाइगर देखने है। 10 साल से हम लोग इधर, हम लोग एक टाइगर नहीं देखा। टाइगर सफारी में देखो गाड़ी में कुछ लोग होते हैं ना जो दिखाने का, तो उसको वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है वो। तो ऐसे जाते रहे गाड़ी में भी, 1 घंटा कुछ दिख नहीं रहे। तो ड्राइवर एक रुकाओ ना इधर, झाड़ में कुछ ऐसा हिला। फिर इसके बड़ा कैमरे फटाक से झाड़ के इधर हिला कुछ, तो झाड़ के इधर 10 मिनट के बाद देखो कोई गांव वाला लोटा लेके आ रहा है, टाइगर देखने जा रहे हैं। मैं मेरा सामने से गया। कुछ लोग फिर क्या होता है, कुछ मिल तो नहीं रहे है। तो वो लोग बैठ के फिर ड्राइवर के साथ टाइम पास करने के लगता है। इधर आपको तो हमेशा दिखता रहेगा ना, हम लोग को तो बहुत दिखता है, बहुत दिखता है। खाली संडे का दिन थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा आपका सफारी का भी होता है संडे के दिन? Give it up for Nitesh Shetty, ladies and gentlemen.
नितेश, फैबुलस आपका एक्ट देखकर आपसे एक बार फिर से रूबरू होकर अब फिनाले की ओर हम सब जा रहे हैं. एंड यू गाइज हैव बीन लवली थ्रू आउट द सीजन. इस एपिसोड में एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस की फिनाले तो मतलब फाड़ू होने वाला है. बट आई वॉन्ट टू से दैट जो भी स्ट्रेस है ना, I'm sure थोड़ा तो स्ट्रेस होगा, हाँ काफ़ी है ना, तो तुम्हारा जो ये तगड़दुम्बा क्या तुम्बा तगड़दुम्बा ये तो एक एंथम जैसा हो गया है. तो थोड़ा सा फन मोमेंट के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेस बस्ट करने के लिए, लेट्स डू अ तुम्बा तुम्बा तगड़दुम्बा. आओ आइए आइए सब लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ.